40 रुपए ऐड किए,
पैंतीस का अगस्त हो गया 50 पैसे, यहाँ जो कॉस्ट लगी थी वो सेल्स टैक्स लगी थी बिकॉज ये सप्लाई होके आया था रॉ मटेरियल, मान लीजिए 10 रुपए यहाँ भी लग गया। ये कॉस्ट 17.50 रुपए होनी चाहिए थी जो कि यहाँ पर आते आते यहाँ हमने 10 रुपए किया था, यहाँ हमने फिर पे किया 10 रुपए, कितना 15 रुपए 10% टैक्स, यहाँ हमने फिर 20 रुपए किया जो कि 200 का कॉस्ट हो गया था उसका। अभी फाइनली 45 का होता है, 45 में से 17.50 रुपए माइनस करते हैं तो लगभग 27.50 रुपए आते हैं, 23 रुपए 27.50 रुपए 2750 का सैलरी, ठीक है। तो पहले का हमारा था हमें कॉस्ट इतने की पड़ रही थी, बट अब अगर हम देखेंगे तो 17.50 रुपए मीन 100 रुपए 40 रुपए 35 182 रुपए 50 पैसे ये फाइनली हमको पड़ता, बट पहले कास्ट एंड इफेक्ट होने के कारण ये हमें 220 रुपए का पड़ा, ये हमें पहले 220 का पड़ता था, अभी हमें 182 रुपए पड़ेगा। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि हमें पहले 12% टैक्स लगता था 18% होता है, ये हमारे लिए लॉस है, ये लॉस नहीं है बेनिफिट, ये क्योंकि वो घूम फिर हमें हमसे ही लिया जाता था ज्यादा टैक्स लगता था, बट अब हमें टैक्स अगर 18% देना पड़ रहा है तो अच्छा है क्योंकि वो घट के ही आ रहा है, टैक्स नहीं है। थैंक यू।